लंबे वक्त के इंतजार के बाद दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट 2017 लॉन्च कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि इस बार क्या खास ला रहा है डीडीए सभी लोगों के लिए। क्या है खास डीडीए की हाउसिंग स्कीम के अंदर? डीडीए स्कीम के अंदर 13,148 घर बनाएगा, जिसमें से 11,671 लो इनकम ग्रुप फ्लैट्स होंगे, 79 हाई इनकम ग्रुप, 398 मिडिल इनकम ग्रुप, 563 EHS और 437 जनता फ्लैट्स होंगे। इन फ्लैट्स का निर्माण नरेला, रोहिणी, पीतमपुरा, लोकनायकपुरम, द्वारका, बिंदापुर, जहांगीरपुरी, दिलशाद गार्डन एवं मुखर्जी नगर जैसे इलाकों में किया जाएगा। LIG फ्लैट्स की कीमत होंगी 14.95 लाख से लेकर 28.54 लाख तक। EHS फ्लैट्स की कीमत होंगी 11.76 लाख से लेकर 77.57 लाख तक। जनता फ्लैट्स की कीमत होंगी 6.68 लाख से लेकर 15.15 लाख तक। MIG फ्लैट्स की कीमत होंगी 30 लाख से लेकर 70 लाख तक। HIG फ्लैट्स की कीमत होंगी 41.62 लाख से लेकर 1.4 करोड़ तक। 9 अगस्त तक सभी लोग इस हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत फॉर्म भर सकते हैं। 10 बैंकों के साथ DDA का टाई अप है, जहां से एप्लीकेशन फॉर्म लोगों को मिल सकता है। ये 10 बैंक है एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, HDFC बैंक, ICICI, IDBI, कोटक महिंद्रा बैंक, SBI और येस बैंक। फॉर्म भरने के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से अप्लाई कर सकते हैं। स्कीम में रजिस्टर कराने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना अनिवार्य है और साथ ही साथ आप अपना आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की इनकम टैक्स कॉपी भी आपको जमा करनी पड़ेगी। DDA के मुताबिक इस साल अक्टूबर नवंबर तक लोगों को घरों की पोजीशन मिल जाएगी। DDA ने हाउसिंग स्कीम 2017 लॉन्च तो कर दिया है, लेकिन अब देखना यह बनता है कि क्या ये स्कीम सफल हो पाएगी या फिर 2014 की तरह एक बार फिर लोगों को निराशा झेलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन प्रशांत पांडे के साथ मैं अनुराग दास गुप्ता, रियलिटी मीडिया।